चैनल। तो आज मैं इकू को लेकर आई हूँ भारत दर्शन के लिए। चलना है भारत दर्शन एक दिन में? यस, एक दिन में आज मैं तुम्हें पूरा भारत का दर्शन करवाने वाली हूँ। इम्पॉसिबल है, इकू क्या बात कर रही हो, पागल हो गए हो क्या काम करते करते? शर्त लगाए 500 की। अगर मैंने आज तुम्हें भारत दर्शन करवाया तो आज की ट्रीट तुम्हारी तरफ से। ओके, ट्रीट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भारत दर्शन तुम्हें कराने पड़ेंगे पूरे पूरे एक दिन में, वो भी पक्का। तो देखते हैं आज एक हारती है या जीतती है। बाय। करने के लिए हम द्वारका मोड़ से हमने कर लिया है एंटर। एंटर करते ही हम ऊपर गए प्लेटफॉर्म पे और 2 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारी मेट्रो आ गई है और उसके बाद अब हम जा रहे हैं। भारत दर्शन पहुंचने के लिए आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है पंजाबी बाग, और पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन जैसे आप उतरोगे वहाँ से आपको ई रिक्शा आपको लेने पड़ेंगे जो कि 30 रुपये या 40 रुपये लेंगे, लेकिन हमने बहुत बार्गेनिंग करी और बार्गेनिंग करने के बाद 20 रुपये पर पर्सन से हमने रिक्शा लिया। हम पहुँच गए हैं भारत दर्शन और आप इसका ये एंट्री पॉइंट एंट्रेंस पॉइंट आप देख सकते हो जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करा है। यहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। प्लस इसका जो एक मेन गेट है ना, ये भी आप देख सकते हो जहाँ पर प्रॉपर इन्होंने तिरंगा लगा रखा है, एक अलग से फील आती है। यहाँ पर आपको एंटर करते ही आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको यहाँ पर हमारे इंडिया की जो 21 फेमस चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे टेम्पल हैं और जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप कैसे वेस्ट मटेरियल से आप चीज़ों को यूजफुल बना सकते हो। तो चलते हैं हम अंदर। तो ये है यहाँ का टिकट बोर्ड, अब मैं आपको टिकट बोर्ड दिखाने जा रही हूँ कि टिकट यहाँ पे कितने कितने की आ जाओगे। तो ये पूरा बोर्ड दिखा दो मेरे को, ये पूरा बोर्ड है टिकट का। ज़्यादा स्टाइल मार रही है, सिर्फ अपनी ड्रेस दिखा रही है और कुछ नहीं है। तो ये आपको भारत दर्शन का बोर्ड दिख जाएगा जिसमें आपका जो टिकट प्राइस सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। अडल्ट की जो सबसे पहले मंडे भारत दर्शन क्लोज रहता है, प्लस इसमें जो अडल्ट की जो टिकट है नॉर्मल डेज में अगर आप जाते हो तो 100 रुपीज़ होगा, अगर आप सैटरडे संडे अगर आप जाते हो तो 150 का टिकट प्राइस रहेगा। सीनियर सिटीज़न के लिए 50 रुपीज़ है, प्लस सैटरडे संडे यही आपका अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा जो कि 75 हो जाएगा। चिल्ड्रन के लिए आपका 50 रुपीज़ की टिकट है जिसमें एज यहाँ पर मेंशन है, बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल आपको यहाँ पर दी है, जो भी आपको जानना है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो अब ये मीकू जा रही है हमारे लिए टिकट लेने के लिए, क्योंकि मेरी बस की तो नहीं है लाइन में लगना, तो मैंने मीकू को भेज दिया है और वो जाके 2 टिकट लेकर आ रही है। और वीक डेज पे कितने की है? फाइनली मीकू को टिकट मिल गई है, 2 टिकट, और टिकट का प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर 150 रुपीज़ ईच पर्सन है क्योंकि हम लोग सैटरडे गए थे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप वीकडेज में आओगे तो आपको टिकट पड़ेगी 100 रुपीज़ की, और अगर आप वीकेंड्स पे आओगे तो आपको टिकट कितने की पड़ेगी? 150। तो अगर पैसे बचाना है तो वीकडेज पे आओ, ऑफिस से छुट्टी लो जो मर्जी करो पर वीकडेज पे आओ, 50 रुपये बच रहे हैं। 50 रुपये बहुत कुछ खा सकते हैं यार। आपको सुंदर सुंदर से बेंच आपको दिख जाएंगे जहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी करी हुई है, कहीं पर फिश बनाई हुई है, कहीं पर बटरफ्लाई है। गाइज ये जो भी आप देख रहे हो सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, ये बॉटल के ढक्कन से बना हुआ है, ये देखो दिख रहा है आपको, थोड़ा मुड़ चुका है, टूट चुका है, बट
करते ही आपको वसुदेव कुटुंबकम का बोर्ड दिखेगा सामने, बिल्कुल एंट्री करते ही आपको ये दिखेगा और बहुत प्रिटी लग रहा है गाइस। टायर्स वगैरह वेस्ट मटेरियल से बनाए, ये टायर से बनाया हुआ है, देखो सुंदर लग रहा है ना, वो देखो वो भी टायर से बनाया हुआ है। और ये भी वेस्ट मटेरियल है, तुम्हें पता है ये कोई जैसे टंकी वगैरह नहीं होती आई थिंक, हाँ ये प्लास्टिक का पूरा ये। ओ भाई साहब, और वो देखो डस्टबिन कितना क्यूट है, डस्टबिन क्यूट है, हाँ हाँ सही, पुराना हो गया पर क्यूट है। ये देखो ना हाफ, ये देखो इन्होंने देखो हाफ जो टायर है ना हम लोग फेंक देते हैं हाफ टायर को, उन्होंने यहाँ पर कितना पूरा डेकोरेट करा हुआ है, मतलब वेस्ट मटेरियल कभी भी एग्जैक्टली वेस्ट नहीं होता, डिपेंड करता है आप उसको यूज कैसे करते हो। और एक बार दिखाती हूँ आपको साइकिल, वाओ। अंदर आते ही हमें बहुत यूनिक चीजें दिखी है, बिल्कुल जस्ट एंट्री करते ही है ये सब। ये साइकिल है, ये भी वेस्ट है बट ये भी क्या कर दिया, चलो हटो बैठने दो, मुझे भी बैठना है। पानी निकलने लग गया गाइस, मीकू ने इतनी अच्छी चीज दिखाई है ना मेरे को, पहली बार यहाँ पे आके इतना मजा आ रहा है। मीकू ने जो भी बताया देखो कितने मस्त, ये मीकू ने गंदा कर दिया बट कोई बात नहीं, दोस्त है तो चला लूंगी काम। ये हो गई है पागल यहाँ पर आकर, हाँ रखा हुआ है बैग, चाहिए हमारा नहीं है, किसी का भी उठा ले बैग। और ये दिख रहा है गाइस कितना अच्छा है, टायर के अंदर ना इन लोगों ने पूरा ये देखो प्लांट लगाया है और प्रॉपर इसको हुक किया हुआ है, सुंदर। मीकू वो देखो जल्दी आओ, स्वच्छ भारत अभियान फिर भी लोग गंदगी क्यों मचाते हैं ये समझ में नहीं आता है, कितना समझाएं इनको। दिल्ली नगर निगम आपके द्वार, दिल्ली नगर निगम की फिर भी लोग गंद फैलाते हैं पता नहीं क्यों। बोटल के ढक्कन से बनाया हुआ है, ये बोटल के ढक्कन से, वाओ यार ये देखो बिस्लरी दिख रहा है, ये लिखा हुआ देखो गाइस ध्यान से देखना, जूस की बोटल से कोको कोला की बोटल, जूस भी है कोको कोला भी है। ये हमको मिल गया गांधी जी, गांधी जी मुड़ के देखिए प्लीज, अरे मुंह ही नहीं है गांधी जी का तो। गाइस एक और चीज हमें मिल गई है जस्ट एंटर करते ही, और ये ना सब वेस्ट बोटल से बनाया गया और पेंट किया हुआ है बोटल्स को, देख रहे हो मैं दिखाती हूँ आपको ये क्या बनाया हुआ पूरा, और ये मीकू हर किसी के दिल में घुस जाती है देखो, पर फिर भी दिल मिल ही नहीं रहा मुझे तो। ये भी वेस्ट बॉटल से ही बनाया हुआ है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया हुआ है इधर, वेस्ट बॉटल से ही बनाया हुआ है ये भी, वसुदेव है कुटुंबकम। तो गाइस सबसे पहले अब हमको दिखने जा रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है इन्होंने गेट ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हो आप बिल्कुल, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस बोर्ड पे, मीकू पढ़ रही है इसको, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया जो वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है वो है पूरा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि ये क्या है, तो यहाँ पे इनके साथ साथ बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जिससे आप चिमटा है सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, साइकिल की ये टायर्स है, गेयर्स है, ये क्या है मतलब ये चीजें प्रॉपर यूज की गई है सारी वेस्ट इसको इसको क्रिएट करने के लिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में हाँ अगर कुछ भी आपको इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है तो आप ये दो बोर्ड देख सकते हैं, ये वेस्ट मटेरियल वाला और ये रियल वाला गेटवे ऑफ इंडिया है, ओके, और ये बोर्ड आपको हर जगह मिलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, तो मैं जा रही हूँ इस गेटवे ऑफ इंडिया में एंट्री करने, क्योंकि मैं कभी आज तक गेटवे ऑफ इंडिया नहीं गई हूँ। वाह वाह वाह, फाइनली हम लोगों ने एंटर कर लिया गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये आ गए हम अब गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर, और हमें जाना पड़ेगा उस साइड से क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ दिख रहा है आपको, पानी भरा हुआ पूरा, और ये है गेटवे ऑफ इंडिया का बैक साइड पूरा। चलो गाइस चलते अब दूसरी साइड से, थोड़ा सा आगे जाते ही हमें दिख गया है ये व्हाट इज दिस जगन्नाथपुरी, और अगर आपको एक धाम है जगन्नाथपुरी, चार धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी, तो मैं आपको इसका फुल लुक दिखा देती हूँ पहले।
और अगर आपको मेरी तरह नहीं पता था कि ये क्या है तो आप ये बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और कितने वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, टायर रिम्स, कार गियर्स वगैरह सब लिखा हुआ है, और जगन्नाथपुरी है ये। और अब हमें आगे थोड़ा सा आगे जाते ही एक और है, मीकू बताओ जल्दी क्या है वो। तो एकू पहुंच चुकी है कौन सी जगह पे, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है रामेश्वरम टेम्पल, बात नहीं ये है रामेश्वरम टेम्पल, और ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया है, जिसके बारे में यहाँ पर गाइस इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यूज हुए है। ये देखो, और ये ऐसा दिखता है रियलिटी में, वाओ। मीकू को प्यास लगी और यहाँ पर पानी पीने के लिए भी है गाइस, पानी पी सकते हैं। कैसा पानी, शीतल जल है? शीतल नहीं है, गर्म है? नहीं, नॉर्मल। गाइस आप देख रहे हो, ये पूरा भारत दर्शन पार्क लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या है मीकू, ये क्या है? कैंडल्स, कैंडल्स, कैंडल स्टैंड होगा, स्टैंड होएगा। जाओ मीकू देख के बताओ जल्दी क्या है। ये कैंडल्स लगी हुई है, रात को जलती होंगी, ये कितना सुंदर लगता होगा ना। बाकी और ज्यादा कोई मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर दी नहीं गई है, कैंडल्स ही है गाइस ये, पास से देख लो, मतलब ये रात को उसको पूरा जलाते हैं। अब आगे हमारे पास आने वाला है, चलो, ये है श्री द्वारकाधीश मंदिर। वाओ, अगर आप में से बहुत सारे लोग द्वारकाधीश तो नहीं गए होंगे तो यहीं पर आप दर्शन कर सकते हैं द्वारकाधीश। मैं भी नहीं गई हूँ मीकू, चलो दर्शन करवा तो रही हूँ तुम्हें। और ये रियलिटी में नगरी है किसकी, जो कि श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। वाओ, और ये देखो, ये प्रॉपर वाओ, कितना सुंदर है रियलिटी। भव्य मंदिर जो कि 2500 साल पुराना मंदिर है, सीरियसली यस, उसके बारे में लिखा हुआ है। आप यहाँ पर पूरी चीजें, ये आप पूरा जूम करके दिखाओ, भगवान कृष्ण का मंदिर, हाँ, ताकि लोग जान सके। और ये है वही की वेस्ट, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। वाओ, बद्रीनाथ मेरा बहुत मन था जाने का। नाइस मीकू, मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी बताओ कहाँ है। ये तो वेस्ट वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब वेस्ट मटेरियल वाली इन्फॉर्मेशन है, किस किस चीज से ये बनाया गया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, बद्रीनाथ को देवताओं का निवास स्थान भी कहते हैं, हाँ। और इसका प्रॉपर ये यहाँ पर ये बनाया गया, देवताओं का प्रवेश द्वार है ये, हाँ, निवास यात्रा प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना, विष्णु जी का मंदिर है ये। कितनी इन्फॉर्मेशन है ना हमको भगवानों के बारे में। मीकू तुम्हें तो बहुत इन्फॉर्मेशन है इन सब चीजों के बारे में। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर, हमारे जितने भी देवता हैं, भगवान है, सबकी यहाँ पर पिक्चर्स लगाई, और बहुत ही कलरफुल है, कलरफुल तरीके से बनाया है। और ये वेस्ट से बनाया गया, जो ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाया है, शीट पाइप्स वगैरह यूज हुए हैं इसमें, देख लो, आयरन कास्टिंग, कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स गाइस, देखो, मतलब लग रहा है देख के कहीं से नहीं होता है, दिमाग में होता है। बजाओ, मीकू घंटा बजाने की कोशिश कर रही है, घंटा नहीं है।